अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग ये स्पेल एनिमेशन बनाना सीखेंगे, जिस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप सी बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल इमेजेस के ऊपर चले जाएं, ठीक, और वहाँ पे मैजिक स्पेल पैटर्न टाइप करें, या डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक स्पेल टाइपिंग करें, और उसमें से कोई भी इमेज चूज कर लें जिसका बैकग्राउंड या व्हाइट हो या ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली हो। जिसका बैकग्राउंड ब्लैक है उसका कोई फायदा नहीं है, तो व्हाइट बैकग्राउंड या ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेज चाहिए। पहले आप वो इमेज डाउनलोड कर लें, ठीक। मैंने ये वाली यूज की हुई है, सेलेस्टियल मैजिक सर्कल, तो यह पहले डाउनलोड कर लें। और उसके बाद अपने को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जो बहुत फ्री है, ठीक, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी SVG फाइल्स का प्रोजेक्ट को अक्सर लोगों को पता होगा, SVG फाइल्स यूज होती है काफ़ी सारे ब्लेंडर के अंदर ना। तो उसके लिए इंकस्केप जो है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो ये भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसका इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल सी है। अगर आपने ब्लेंडर इंस्टॉल किया हुआ तो आपको ये भी इंस्टॉल करना आता होगा। तो इसका हम लोग SVG का काफ़ी और भी इस्तेमाल है, लेकिन अभी के लिए हम लोग बस ये मैजिक स्पेल पैटर्न आसानी से अपना निकल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिर इंकस्केप करने जाएंगे, ठीक है। तो जो उसके हम लोग करेंगे फाइल इंपोर्ट, ठीक, और जो आपने इमेज डाउनलोड की हुई है वो ढूंढे, मेरे तो डेस्कटॉप पर रखी हुई आपकी कहीं होगी, तो पहले सब डेस्कटॉप पर रखने आसानी हो जाएगी मिलेगी। तो उस इमेज को ओपन कर लें इस तरह से, ठीक। और क्योंकि वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो उसके अंदर आप जो कुछ भी क्रिएट करेंगे, पैटर्न वगैरह सारा कुछ, वो बाद में साइज उसका इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। ये सबसे अच्छी बात ये है। तो और भी बहुत सारे इसके यूज हैं, लेकिन अभी एक्सप्लेन करने के लिए टाइम थोड़ा शॉर्ट होगा हो जाएगा, लेकिन मैं देखता हूँ शायद एंड में मैं कुछ लग सका दूँ उसके लिए। तो उस इमेज को सिलेक्ट करें, स्केल सब कर लें, ठीक है। और फिर पाथ ट्रेस बिट मैप को क्लिक करें, ठीक, और ये जो इसकी सेटिंग ओपन हो जाएंगी, इसका जो थ्रेश होल्ड है इसकी स्ट्रेंथ 9 करें, और ये दोनों के स्ट्रेस होल्ड की स्ट्रेंथ 9 कर दें। और फिर इसके बाद जब आप ओके करेंगे तो ये देखें, उसने अब वो ये क्रिएट कर दिया ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट में, ब्लैक में से उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा। तो देखने तो आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि इसके अंदर हो क्या रहा है, लेकिन असल में ये जो है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अब इसने इसे वेक्टराइज कर दिया है, वेक्टराइज पाथ बना दिया है। तो अब ये वेक्टराइज पाथ बना हुआ है, तो हम लोग अब इसे SVG की फॉर्म में सेव भी कर सकते हैं, और हम लोग इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने का तरीका सिंपल होगा, फाइल सेव एस करेंगे। तो यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग ही है डॉट SVG के अंदर, इंकस्केप डॉट SVG सेटिंग में सेव होती है। तो आप कोई भी नाम रख के, ठीक है, सेव करने, मैंने फाइल के नाम से सेव किया हुआ है, ठीक है, मैंने पैसे सेव किया। तो सेव करने के बाद अब हम लोग जाएंगे ब्लेंडर के अंदर, इंकस्केप की जरूरत नहीं है। तो ब्लेंडर में जाने के बाद सबसे पहले हम डिफॉल्ट क्यू को डिलीट कर देते हैं, हमें इसकी भी लाइट की भी जरूरत नहीं है। वर्ल्ड को हम लोग एक डार्क ब्लू टाइप सा कलर दे देते हैं, और ब्लूम ऑन रखनी है। फिर आप फाइल इंपोर्ट डॉट SVG को यहाँ पे ढूंढें, ये देखें स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, और जहाँ पे वो पड़ी हुई है वहाँ पे मैंने डेस्कटॉप में रखी हुई है, उसे इंपोर्ट कर लें। उसे इंपोर्ट कर लें, तो जब वो इंपोर्ट हो जाएंगी तो आप नोटिस करेंगे कि ये इस तरह शो हो रही है, ठीक है, इस तरह ये इसे क्लिक करें, ठीक। तो इनिशियली ये पाथ है, कर्व है, ठीक। तो आप लोग इसे चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ये एक और एक्स्ट्रा भी इसके साथ आ गया, उसे मैं अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है हमें। तो ये जो पाथ है ऐसा सेलेक्ट करते हैं, ठीक, से मैं स्केल कर लेता हूँ, और इसे हम लोग सेंटर के अंदर ले आते हैं इस तरह। तो इससे आप अगर ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक, तो आप उसमें भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपको काफी रीमेशिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे हिसाब से आपको जरूरत नहीं है। तो इसलिए करें ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू कर्व मैश फ्रॉम कर्व टू मटेरियल्स, ठीक है, इस तरह से फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा मैश के अंदर अगर आप करना चाहते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन वहां से ज्यादा शाइन करती है, मैं आपको वो दिखाऊंगा इसकी एप्लीकेशन भी, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो इस वजह से इससे तो हमें अभी से और कुछ करना नहीं है, लेकिन अगर आप मतलब किसी ऑब्जेक्ट को करते हैं किसी चीज को, तो उसके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। ये देखें, अब इसे मैं एक्सट्रूड करना चाहूँ, इसे मैं एक्सट्रूड करना चाहूँ, तो ये देखें एक्सट्रूड कर सकते हैं, वर्ड्स बहुत ज्यादा हाई है, इस वजह से ये काफी स्लो डाउन हो रहा है मेरा सिस्टम, तो वर्ड्स बहुत ज्यादा है, इस वजह से इस आपको रीमेशिंग थोड़ी करनी पड़ेगी, रीमेश मॉडिफायर के थ्रू, ठीक। और एडवांस भी होते होते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं अगर आप किसी और पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं। अभी इसके पर्पज के लिए तो कोई तुक नहीं बनती इतनी ज्यादा, क्योंकि सिंपल सा स्पेल है। तो इससे अब हम लोगों को अब कोशिश चाहिए होगी, ठीक है, शिफ्ट ए मैश सर्कल, उसे स्केल कर दें
और तकरीबन इतना ले जाएं, टैब दबाएं, एफ दबा के इसे फुल कर दें और फिर शिफ्ट ए एम्प्टी प्लेन एक्सिस, और उसे भी स्केल करके हम लोग अभी के लिए छोटा कर देते हैं। तो अब जो ये इसे सिलेक्ट करने से एक न्यू मटेरियल देंगे हम लोग, इसका बेसिक टेस्ट विजिबल मटेरियल तो है ही है, लेकिन चलो उसी को एडिट करते हैं। न्यू मटेरियल जो लगा लेते हैं, तो सबसे पहले प्रिंसिपल बीएसटी को डिलीट कर दें, ब्लेंड मोड इसका अल्फा ब्लेंड कर दें, शैडो मोड आपकी अपनी मर्जी, और पे अल्फा क्लिप वगैरह इस ट्यूटोरियल के तो जो मर्जी हो जाए फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले शिफ्ट ए मिक्स शेडर इमिशन ट्रांसपेरेंट, शिफ्ट ए कलर रैंप ग्रेडियंट टेक्सचर, और लीनियर के बजाय स्फेरिकल को सिलेक्ट कर दें, शिफ्ट ए मैपिंग टेक्सचर कोऑर्डिनेट, और ये ऑब्जेक्ट इसके वेक्टर के अंदर कर दें, जो ऑब्जेक्ट होगा वो एम्प्टी का आपने सिलेक्ट करना है, वेक्टर को वेक्टर के साथ प्लग इन कर दें, कलर को कलर रैम के साथ, कलर रैम को उसके फैक्टर के साथ मिक्स शेडर के, और मिक्स शेडर का ये सरफेस के साथ, इमिशन को शेडर के साथ, और बल्कि इमिशन से मैं नीचे लेवल समय प्लग इन होनी है, स्ट्रेंथ उसकी 5 ठीक है, कलर ये ऑरेंज टाइप सा जो है वो, और ट्रांसपेरेंट शेडर ऊपर रखना है, और फिर 3D व्यू पॉइंट वापस ले जाएं। रेंडर व्यू मेकिंग के लिए देखते हैं, ठीक। तो अब जो सर्कल है उसे सेलेक्ट करें, उसे मैं एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बीएसटीएफ दे देता हूँ, ब्लेंड मोड अल्फा क्लिप उसका होगा ठीक, और जो अब क्योंकि हमने उसको एम्प्टी के साथ रखा था, तो जब हम लोग एम्प्टी को स्केल करेंगे ये देखें इस तरह से ये क्रिएट होता जाएगा, ठीक हो गया। जो बाकी जो सर्कल है उसके लिए मैं एक आइकोस्फीयर चाहिए होगा, जो स्पार्क्स उड़ के जा रहे थे इस तरह के, उसके लिए मैं आइकोस्फीयर चाहिए होगा, तो शिफ्ट ए आइकोस्फीयर, इसकी सब डिविजन्स काम कर देते हैं सॉलिड मोड में, ठीक है। और से भी एक न्यू मटेरियल दे देते हैं, वो भी सिंपल इमिशन मटेरियल होगा, ब्लड रेड सा कलर देते हैं, और स्ट्रेंथ उसकी 5 रखते हैं, और से जी करके साइड पे रखते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। कैमरा को सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग अभी, क्योंकि हम लोग कैमरा की व्यू से देखना चाहते हैं, तो आई थिंक इंसानों को थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, तकरीबन इतना ठीक लग रहा है, और टाइमलाइन को ओपन कर दें। तो सबसे पहले रेंडर्ड व्यू में जाते हैं, फिर से हमें चाहिए होगी ठीक, तो जो एम्प्टी है उसको थोड़ा सा और स्केल करके छोटा कर देते हैं ये, और इसकी जो की फ्रेम्स के थ्रू हम लोग एनिमेट करेंगे, इसकी जो स्केल स्केल के ऊपर आई क्लिक करें, एम्प्टी को सिलेक्ट करके आई क्लिक किया ठीक, और मैं चाह रहा हूँ फ्रेम 100 के ऊपर वो फुल विजिबल है, तो स्केल कर लें एम्प्टी को उठा करके ठीक, और फिर आई फिर से प्रेस करें, और हम लोग टोटल लेंथ 120 तक रख देते हैं ठीक। और जो सर्कल है उसे सेलेक्ट करें, आप सर्कल में जाते हैं, सर्कल को के स्केल के ऊपर भी पहले आई क्लिक करें, फ्रेम 0 के ऊपर आई, और फिर फ्रेम 100 के ऊपर चले जाएं, और उसे भी स्केल करके इतना कर दें कि वो ये जो सारा स्पेल वाला एरिया है इससे कवर कर रहा हो फ्रेम 100 के ऊपर इतना तकरीबन, और फिर उसके ऊपर भी आई क्लिक कर दें। फिर हम लोगों को सर्कल के ऊपर एक पार्टिकल सिस्टम करना है, वो इमिटर होगा ठीक, फील्ड वेट्स की ग्रेविटी को 0 कर दें, हमें ग्रेविटी नहीं चाहिए,
लाइफ टाइम रेंडमाइज कर दें। लाइफ टाइम 50 ठीक है, एंड फ्रेम भी ठीक है। रेंडर्स हेलो के बजाय ऑब्जेक्ट, स्केल 0.02, स्केल रैंडमनेस और इंस्टेंस ऑब्जेक्ट आइकोस्फीयर। अब जब हम लोग सब प्ले करते हैं ऐसे पार्टिकल्स का साइज थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए, 0.04 शायद। हाँ अब ये थोड़ी विजिबल सही थोड़ा सा प्रॉपर है। और लाइफ टाइम इनकी 100 कर दें ताकि ऊपर तक पहुंच सके सारा। तो ये हो गया आप स्पेल एनिमेशन। तो उम्मीद है सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अल्लाह गर्जन की नहीं तो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।